Thank you, Farooq Mills. Thank you, Mahamadi, for a very nice lecture and keeping the facts, the time into consideration. Now I come forward for the second lecture. Though the time is but crossing, so I understand be a very versatile genius, particularly in the field of health. He is principal at the Azamgarh Medical College, and he was the chairman of the Academic Council of the Community Psychology Association of India, and he is also associated with the School Psychology Association, and he has written books, so many books. So he is a very nice gentleman, and I request him now to start the lecture. Professor Rajendra Singh Saab. Rajendra Singh Saab. बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं आप सभी का इस आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं. सबसे पहले तो सारे अग्रजों को प्रणाम करता हूं. परम आदरणीय सक्सेना सर हैं, राय सर हैं, मदरियमा मैम हैं, और भी बहुत सारे परिजन हैं. इस बात में कोई दो मत नहीं कि मदरियमा मैम का जो लेक्चर था, जैसा सक्सेना सर ने कहा कि गागर में सागर, और मुझे लगता है कि मैडम ने मेरा काम आसान कर दिया. क्योंकि आशीष जी आवाज आ रही ना मेरी? आशीष जी? यस सर, ऑडिबल है, ऑडिबल है. ओके, राइट राइट राइट. सो मधुरिमा मैम ने मेरा काम आसान कर दिया, बिकॉज मैंने जो प्लान किया, आई होप आवर स्लाइड्स विजिबल हैं. यस सर, विजिबल है, विजिबल है. आशीष जी स्लाइड्स दिख रही हैं? हाँ सर, विजिबल है. ओके, राइट 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 राइट. सो सर्वप्रथम तो सारे जनों का हार्दिक आभार कि वो नए युवा मनोवैज्ञानिकों का इंडिया के बैनर तले यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं. बल्कि मैं कहूँ कि पिछले एक माह से लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस एक माह में जो ज्ञान अर्जन हुआ होगा, वो संभवतः जो मेरी अपनी सोच है एक प्रोफेसर होने के नाते, कि जो ज्ञान अर्जन हुआ होगा वो लगभग 3 साल की डिग्री के बराबर तो हो ही गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. क्योंकि थ्योरेटिकल सिलेबस एक चीज है, लेकिन यहाँ जितने विद्वान लोग आए, उन्होंने जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात की, जो उन्होंने लेबोरेटरी से निकाल करके चीजों को कम्युनिटी तक लेकर के आए एक लिंक बनाकर, तो बंधुओं मैं सोचता हूँ कि वो लिंक बहुत मुश्किल है. कितनी ही किताबें पढ़ जाइए, कितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ जाइए, बट जो नॉलेज, जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाली चीजें इस लेक्चर सीरीज से मिली होगी, संभवतः वो और कहीं मिलना दुर्लभ लगता है मुझे. बिकॉज इतनी किताबें पढ़ने के लिए आपको समय भी चाहिए, इतनी सारी किताबें पढ़ने के लिए के को समझने के लिए भी आपको समय चाहिए. लेकिन यहाँ विद्वानों ने जिस सहजता से अपनी बात को रखा, और जितने मतलब बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को आपके मन और आपके दिल तक पहुंचाया, वो वास्तव में स्तुत्य है, वो वास्तव में अप्रिशिएबल है. जैसे हम लेटेस्ट लेक्चर की ही बात करें, मैडम ने इतने अच्छे तरीके से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से लेकर के माइंडफुलनेस तक को, ये जो पूरा सफर है, इतनी आसानी से तय कराया कि इसमें कैसे भी ट्रेट वाला व्यक्ति हो, मुझे लगता है उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद तो लग ही जाएंगे यदि उसने उस पर काम करना शुरू किया तो. और जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, जितने भी सजेशन थे, उसमें भी यही कहा गया कि हमको डूअर बनना है, नॉलेज तो हमारे पास बहुत है. तो मुझे भी लगा कि हमारा इतना बड़ा कम्युनिटी साइकोलॉजी एशियन ऑफ इंडिया परिवार है,
और हम सब एक ही विधा से आते हैं, सारे शिक्षक हैं, तो मैं कोई बहुत अलग सी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं बस रीओरिएंट करना चाहता हूं आप सभी को, आप लोगों को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जो आजकल बीमारियों का लोड बढ़ रहा है, जो कम्युनिटी लोड है डिजीज का, वो क्यों बढ़ रहा है, ये वास्तव में कम्युनिटी साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। मैं माफी चाहता हूँ ये कहते हुए कि बहुत हद तक हम मनोवैज्ञानिक ये मान के चलते हैं कि ये क्लिनिकल वालों का काम है और इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा, स्वस्थ मन होना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि पेट भारी है, आध भारी है, माद भारी है, लूज मोशन हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ी हुई है, शरीर में बहुत सा पसीना निकल रहा है, शरीर में जान नहीं, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं एक कदम भी चल भी पाएंगे कि नहीं, ऐसे में स्वस्थ चिंतन आना थोड़ा मुश्किल काम है। मुझे लगता है आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि यदि शारीरिक सुख नहीं है, शरीर यदि कष्टप्रद स्थिति में है, तो बहुत अच्छे उच्च विचारों का चिंतन थोड़ा मुश्किल काम है, ऐसा मुझे लगता है जन सामान्य के लिए। हो सकता है मनोवैज्ञानिकों के लिए ये बात सत्य ना हो, लेकिन जनसाधारण के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए ये बात तो सत्य सिद्ध होती है कि शरीर यदि पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, तो मन का स्वस्थ होना या मन में स्वस्थ चिंतन आना, स्वस्थ विचार आना थोड़ा मुश्किल सा काम लगता है मुझे। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है, ये आर थोड़ा इसका गायब हो गया, दिस इज बेसिकली रीओरिएंटेशन ऑन एनसीडीज। रीओरिएंटेशन यानी कि पुनर्अभिमुखीकरण, आप सब जानते हैं लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो ऐसी बीमारियां, यदि हम मेडिकल साइंस की बात करें तो बीमारी को हम दो तरह से बांटते हैं, एक कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल जो सिर्फ स्वयं तक रहती है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को यदि हो जाए, इंडिविजुअल्स को, तो पूरी कम्युनिटी को हो जाती है धीरे धीरे करके, और ये बहुत नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि जब कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है तो एक मास एरिया रहता है जो जिसमें डेथ होती है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड होती है कम्युनिकेबल डिजीज में, और उससे एक 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 तरह का पीक आता है और उसके कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है, जैसे हमने लेटेस्ट अभी कोरोना का देखा, ठीक है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें व्यक्ति खुद परेशान रहता है, और आप सोच सकते हैं कि यदि एक पेशेंट जो पर्सन है वो यदि इंडिविजुअल है, वो यदि परेशान है, तो वो सिर्फ अकेला परेशान नहीं है, उसकी पूरी फैमिली परेशान है, उसका वर्कप्लेस परेशान है, उसके फ्रेंड्स परेशान है, उसके रिलेटिव्स परेशान है, अल्टीमेटली जो कोहेसिवनेस उसकी सोशल लाइफ में होना चाहिए, जो उसकी कम्युनिटी लाइफ में होना चाहिए, वो 100% अफेक्टेड होती है। तो बीमार होने का आशय कदापि ये नहीं है कि जो व्यक्ति बीमार है, जो रोगी है, सिर्फ वही सफर कर रहा है, बल्कि उसके साथ रहने वाले सारे लोग सफर करते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर, मैं आपको रीओरिएंट कर रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात, इसके साथ साथ मैंने क्रॉनिक डिजीजेस या पुरानी बीमारियां या जीर्ण बीमारियां भी जोड़ी है। क्यों इसलिए जोड़ी है मैंने? क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि बहुत दिनों तक यदि कोई समस्या बनी रहे, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और सारी बातें हम लोग, चूंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा है कि हम प्रैक्टिकल और अप्लाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि आपको मोशन समय पर नहीं होता है, यदि आपका बॉल मूवमेंट सही नहीं है, मोशन समय पर नहीं होता है, तो धीरे 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 आपका शरीर एडजस्ट करता जाता है। यदि सुबह 6 बजे की आदत है, 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, फिर चाहे उसके लिए आपको एक गिलास गर्म पानी पीना पड़े, एक चाय पीना पड़े, दो कॉफी पीना पड़े, सिगरेट पीना पड़े, उसके बाद आप फ्रेश होने जाते हैं, राइट? तो धीरे 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 आपने एडॉप्ट कर लिया, ये नया जो लर्न्ड बिहेवियर है आपका, ये आपने एडॉप्ट कर लिया और इसको आपने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया। तो जो छोटी सी बात थी, जिसको यदि उस समय आपने इंटरवीन किया होता, एक प्रॉपर इंटरवेंशन उस समय दिया होता, तो ये क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट होके आपको पाइल्स नहीं होते, आपको हेमराइड्स नहीं होते, आपको रेक्टल प्रोलैप्स नहीं होता, क्योंकि जब आप जाते हैं और मोशन क्लियर नहीं होता तो आप ताकत लगाते हैं, ताकत लगाते हैं तो आपका मलाशय पूरा बाहर आ जाता है और फिर उसको आपको हाथ से अंदर धकाना पड़ता है। और लगातार यदि आपकी ये आदत रही, हैबिट रही कि आप लैटरिन में ज्यादा जोर लगाते हैं, तो विश्वास मानिए कि रेक्टल प्रोलैप्स परमानेंट हो जाएगा और फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रेक्टल रिंग है वो धीरे धीरे लूज हो जाएगी और सर्जरी के अलावा उसका कोई और इलाज आपके पास नहीं होगा, राइट?
तो मैं आज यहाँ आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, क्रॉनिक डिजीज में कोई भी बीमारी कैसे कन्वर्ट होती है, क्योंकि जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इस टॉपिक का संक्षिप्त परिचय देना मैंने उचित समझा कि रीओरिएंटेशन ऑन एनसीडीज एंड क्रॉनिक डिजीज एंड इट्स इमरजेंसी कैसे पैदा होती, कैसे बढ़ती है, कैसे बनती है आपके शरीर में, कैसे घर करती है। और ये कहीं अलग से नहीं आती, किसी कीटाणु से नहीं हो रही, किसी विषाणु से नहीं हो रही, किसी जीवाणु से नहीं हो रही है, ये सिर्फ आपकी अपनी आदतों के कारण हो रही है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप और सिर्फ आप है, कोई और दूसरा नहीं है। हाँ, कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं उनके लिए आप बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, उसमें आपके सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, आप जो कह लें, एलर्जीज वगैरह, सो एंड सो ऑन, राइट। वो बहुत सारी चीजों को आप मान सकते हैं कि वो स्पेशलिस्ट है, वो आपकी बॉडी के लिए कॉजेटिव फैक्टर का काम करते हैं डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, हम लोगों ने काफी सारा इस पर काम करना शुरू किया है। जैसा कि राम जी लाल सर कह रहे थे कि हम लोग बहुत सारे कम्युनिटीज को अडॉप्ट करके, बहुत सारे एरियाज को अडॉप्ट करके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उसके ऑब्जर्वेशंस को, उसके रिजल्ट्स को फिर मास्क पर अप्लाई करने का प्रयास करते हैं और वहां से जो फाइंडिंग आती है उससे हम आगे का अपनी थीम बनाते हैं और काम करते हैं। हम लोग पिछले 25 सालों से होलिस्टिक हेल्थ पर काम कर रहे हैं और हमारा जो सेंटर है होलिस्टिक हेल्थ केयर, उसमें बेसिक फोकस हम फिजिकल टू मेंटल पे जाते हैं, राइट। सो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, वो एक कोऑर्डिनेट है जिसको हम आपस में चीजों को बैलेंस करके आगे काम करते हैं उसमें। यहां मैं ये एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी नॉन कम्युनिकेबल या क्रॉनिक डिजीज की बात जो हम कर रहे हैं, इसके इमरजेंस की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें हमने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन साइंटिफिकल बेसिस पर में जो मेजर मेडिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए लगाया है और बहुत सारी कंडीशंस को रिवर्स करने में हम लोगों को सफलता मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन बनी है, जो फिजिकल कंडीशन बनी है, जो क्रॉनिक डिजीज बनी है, जिसमें कोई ऑर्गेनिक चेंज इतना मेजर नहीं आया है कि जिसमें उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज हो गया है, तब तक हम उस चीज को वापस रिवर्स या नॉर्मल ला सकते हैं। तो आज के इस संक्षिप्त से उद्बोधन का सिर्फ यही आशय है कि आप अपनी आदतों को समझ लें, उनको जान लें, उनका संज्ञान लें और उन पर काम करें, ताकि आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या क्रॉनिक डिजीज से अपने आप को बचा सकें। तो मैं समझता हूं, हम शुरुआत करते हैं, ये रीओरिएंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमको? मुझे लगता है कि ये रीओरिएंटेशन की, या इस रीओरिएंटेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी बिकॉज हम बहुत हद तक बहुत सारी चीजें भूल चुके, राइट। सबसे बड़ी चीज जो है वो हेल्दी वे ऑफ लिविंग हम भूल चुके हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन, बिकॉज ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ इंपैक्ट ऑफ मास मीडिया, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसने हमारे व्यवहार को बुरी तरह से प्रभावित किया है और इस व्यवहार ने इतना गहरा हमारे मन पर असर डाला है कि जब कोई कहता है कि ठंडा मतलब, तो सीधा निकल के आता है कोका कोला। या बच्चों के बीच की हम बात करें या थोड़े किशोरों के बीच की बात करें तो दाने दाने में है केसर का दम या सो कॉल्ड दम जो भी है, या फिर कुछ मीठा हो जाए। ये सब चीजें ऐसी हैं जिन्होंने मास मीडिया को अपील किया है और इसने बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को आमंत्रण दिया है। पिज्जा, बर्गर, जितना मल्टीपल एडोलसेंट एज में खाया जा रहा है, टीनेजर्स जिसका जितना इसको लाइक कर रहे हैं, वो बात सब आपसे छुपी नहीं है। सो बिकॉज वी फॉरगॉट हेल्दी वेज ऑफ लिविंग, सो इसीलिए हमको ये रिमाइंड करना जरूरी हो गया है कि जो इफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, चाहे आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, चाहे आप पिक्चरें देख रहे हो, वहां सब आपको आप देखते हैं कि मॉर्निंग टी या बेड टी एक फैशन है, बिस्तर पे इंसान है और वहीं पर वो चाय पी रहा है, राइट। और कोई और अदर एडिक्शन है कि उठते से ही उसको तमाकू चाहिए, गुटखा चाहिए, पान चाहिए, बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, एटसेट्रा, कुछ भी चीज हो सकती है जिसको हमने एज इट इज हमारी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है।
राइट कुछ चीजें जो मास मीडिया ने अपील कर दी जिसकी वजह से हम लोग इनका शिकार हो गए या इनके गिरफ्त में आ गए हैं. जैसे जो 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 चीज है एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी वी कैन बी इजीली अंडरस्टैंड कि जो चीज हमको लुभाती है आकर्षक दिखना सबको पसंद है चाहे वो किशोर हो युवा हो कोई भी हो आकर्षक हर व्यक्ति दिखना चाहता है. राइट सो हम किसी एज ग्रुप की बात नहीं कर रहे. हर एज का व्यक्ति ये चाहता है मैं प्रेजेंटेबल रहूं मैं अच्छा दिखूं और मैं आकर्षक दिखूं. राइट सो एक एग्जांपल यहां मैंने दिया है घने मुलायम सुंदर बाल या घने मुलायम लंबे बाल. राइट ये बेसिकली फीमेल्स को ध्यान में रख करके बनाया हुआ एड है और ये बहुत सारे तेलों के बहुत सारे हेयर ऑयल्स के एड आते हैं. अब आप खुद ही विचार करिए कि हर हर जो प्रोडक्ट है वो क्लेम कर रहा है कि मेरा तेल लगाने से आपके बाल घने लंबे काले मुलायम हो जाएंगे. ये थोड़ा सा अप्राकृतिक महसूस होता है दिखता भी है बिकॉज किसी भी ऑयल में बगैर केमिकल को मिलाए उसकी आप लाइफ बढ़ा नहीं सकते. प्रिजर्वेटिव आपको डालना ही पड़ेगा. प्योर फॉर्म में ऑयल यदि बनता है जो कि हाथों से बनाया जाता है उसकी लॉन्गेविटी और उसकी एफिकेसी बहुत अलग होती है. लेकिन यहाँ हम देखते क्या है कि यदि हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन की हम बात करें कि अच्छा दिखना है तो बाल सफेद हो गए तो काले भी करना है. काले बाल करना है तो अलग अलग तरह के शैम्पू बेस से लेकर के अलग अलग तरह के आपके पास डाई अवेलेबल है. हर डाई में अमोनिया के साथ कुछ और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आप सब पढ़ते होंगे संभवतः उसमें कंटेंट यदि पढ़ते होंगे तो इसमें से 3 से 4 केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसरस हैं और जो जो कार्सिनोजेनिक हैं जिनसे कैंसर होता है. तो त्वचा का ना सही लेकिन त्वचा के जरिए अंदर गए तो डेफिनेटली आंखों का कैंसर एक संभावना बनती है. और इसमें हम और भी बात करें यदि तो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की यदि हम बात करते हैं जिसकी वजह से हम लोग 2 मिनट्स मैगी हो गया या इस तरह के और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो फूड आर्टिकल्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हमारे लीवर को डैमेज करने वाले तत्व मिले हुए हैं. और हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस जरा से फास्ट फूड के चक्कर में जरा सा हमारा समय और श्रम जो बचता है हमारा उसके चक्कर में हम कहीं ना कहीं बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं कहीं ना कहीं हम क्रॉनिक डिजीज का शिकार हो रहे हैं. तो ये समझने लायक बात है कि हमें क्या करना चाहिए. मनुष्य एकमात्र ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है. हम कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं बुद्धि के आधार पर जी रहे हैं बुद्धि को लेकर के जी रहे हैं इंटेलिजेंस को लेकर जी रहे हैं और मनुष्य के पास ब्रेन सबसे ऊपर है. तो कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता अवश्य है कोई भी चीज कब और कहां कैसे यूज की जाए. हेल्थ क्या है बहुत सारी बातें हुई हैं सबको पता भी है फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. राइट नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी. व्हाट डज इट मीन डायरेक्टली इट मींस दैट हेल्थ इज अ स्टेट है ना. इफ इट इज अ स्टेट इट कैन नॉट रिमेन स्टेटिक फॉर अ लॉन्ग टाइम. यदि कोई ये स्थिति है तो ये हमेशा एक जैसी नहीं बनी रह सकती. इसमें ऊपर नीचे होना ही होना है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. राइट बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग. सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ की स्टेट को प्रभावित करते हैं. सो जरा सा आपको यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है या जरा सा हेडेक होता है या जरा सा कोई पेट में दर्द होता है हम इमीडिएटली रश करते हैं टुवर्ड्स मेडिकल कंप्लायंस और वहां जाकर के हमें पता चलता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है तुरंत आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू हो जाते हैं. मुझे ये कहना है यहाँ पर कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एग्जिस्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है कि भाई उसको वॉच किया जाए. जैसा अभी मधुरिमा मैम ने कहा कि माइंडफुलनेस बी अलर्ट अबाउट योरसेल्फ है ना. और सोचिए जरा कि क्या कल नींद नहीं हुई है क्या लंबे समय तक किसी चीज की चिंता है लंबे समय से किसी तनाव में ग्रस्त हैं क्या कुछ वर्क प्लेस की प्रॉब्लम है क्या कुछ फैमिली प्रॉब्लम है. नॉट एग्जैक्टली ऑन द कॉन्सियस लेवल बट इट हैज टू बी ऑन सम सबकॉन्सियस लेवल एट अ डीपर लेवल. और मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि हम अभी जो रिवर्सल की बात कर रहे हैं हमने जो छोटे छोटे मसे होते हैं स्किन टैग्स होते हैं इनको ऑटो सजेशन के थ्रू खत्म किया है विदाउट मेडिसिन. व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स जो मन बीमारी पैदा कर सकता है वही मन उस बीमारी को
हटा भी सकता है, बस एक यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन यही है कि बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंज ना आ गया हो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में तब तक, राइट। सो हेल्थ एक स्टेट है, स्वास्थ्य एक दशा है व्यक्ति की, जिसमें वो हम मान के चलते हैं कि उसको होना चाहिए कि जो थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट स्टिल इसमें यदि हम थोड़े से एफर्ट्स डालते हैं तो निश्चित रूप से ये वेलबींग की स्टेट को हम मैनेज कर लेते हैं। बात करते हैं फिजिकल की, कि फिजिकल में हमारा जो शरीर है वो खाना पीना सो आराम करना इन सब चीजों से वियर एंड टीयर रिपेयर करता है। हंगर हमारी सिचुएशन देती है और उसी से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, राइट। लेकिन ये मेंटल और सोशल वाले के बीच का जो इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ हम पर निर्भर नहीं करता है, हमारे जैसे सिग्निफिकेंट अदर्स पर भी डिपेंड करता है कि वो आपकी मेंटल वेलबींग को कैसा रहने देते हैं, राइट। और अभी स्पिरिचुअल वेलबींग की भी बात हुई है तो कहीं ना कहीं इन तीनों डायमेंशन के साथ ये चौथा डायमेंशन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें कहीं ना कहीं इंक्लाइंड होना चाहिए जहां से हमें सुपर एनर्जी या सुपर चार्ज मिले, चाहे वो हम यूनिवर्सल लाइफ फोर्स की बात करें, चाहे उसको हम अभी जैसे मैडम कह रही थी कि हमने क्रिश्चियन कैमरेज के थ्रू इस पर काम करना शुरू किया है, तो चाहे हम बायोप्लाज्म कह दें उसको, या वाइटल फोर्स कह दें, या प्राण शक्ति कह दें, या ची कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन वो शक्ति है जरूर जो हमारे अंदर व्याप्त रहती है और जिसकी वजह से हमें जीवन मिलता है। तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है ये सोचना जरूरी है, या जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए ये भी कहीं ना कहीं सोचना जरूरी है यदि हम वेलबींग की बात करते हैं तो। और निश्चित रूप से ये जो अवधारणा है स्वास्थ्य की, इसमें नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी की बात भी कही गई है। इसका सीधा सा आशय यही है कि सिर्फ बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि हमें ये सारी वेलबींग की स्टेट हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि बीमारी का न होना का ये आशय बिल्कुल भी नहीं है कि यदि डायग्नोस नहीं हो रहा है, यदि डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, यदि कोई साइन एंड सिम्टम पकड़ में नहीं आ रहा है, या कोई अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं हो रही है, जैसा कि डॉक्टर्स लिखते हैं अपनी रिपोर्ट्स में NAD, नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, इट डज मीन्स कि जो रिसोर्सेज हैं, जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं, उसमें इस समय ये प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन शरीर में नहीं है ऐसा नहीं है, राइट। शरीर में हो सकता नहीं हो, लेकिन मन में तो ये बनी हुई है, लगातार ट्रिगर कर रही है। जैसे हम बहुत सिंपली स्ट्रेस की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऊपर नहीं दिखती आपको, लेकिन मन में बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं और उसके हिसाब से ही बहुत सारे स्ट्रेसर्स अपना समय देख करके अपना रूप बदल देते हैं और दिखा देते हैं। यदि आपने एक्सटर्नली मैनेज कर लिया है तो भी कहीं ना कहीं शारीरिक अंगों पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है और वही चीज क्रॉनिक डिजीज के रूप में कन्वर्ट होती है। ये डेफिनेशन 1948 में दी गई थी, देन 78 में इसमें सोशल एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को जोड़ा गया ताकि हम कंप्लीट सोशल वेलबींग की बात कर सके एंड फुली फंक्शनल सोशल बींग की बात कर सके। लेटर ऑन स्पिरिचुअल को एड किया गया 84 में, जिससे कि एग्जिस्टेंस की बात हो, हार्मनी की बात हो, पीस की बात हो, और इस तरह से ये हेल्थ की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। बहुत सारे डायमेंशंस हैं हेल्थ और डिजीज के, और जो भी चीज, ये कहा जाता है यूजुअली कि व्हाटएवर अंडर द सन इज अ कंसर्न ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, राइट। सो जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस पृथ्वी पर, जो भी चीजें हैं सारी की सारी हेल्थ एंड डिजीज को अफेक्ट करती है, और ये हमारे संज्ञान में लाने लायक बात है। जैसे बहुत पहले जब डिजीज की बात में शुरू हुई थी तो एट्रिब्यूशन ये निकल करके आया था कि ये बैड एयर्स का प्रभाव है, फिर पता चला कि जब मेडिकल मॉडल की बात हुई तो भाई जर्म की वजह से होती है, और नाउडेज वी से कि 70-80% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक ओरिजिन की हैं और बिकॉज दे आर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। तो इसमें एक बात समझने लायक है कि जब और प्रिवेंशन में
खाली बीमारियों का प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्रमोशन ऑफ हेल्थ की बात भी कर रहे हैं कि हेल्थ हमें कैसे अपनी प्रमोट कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग हमारी जो डिजीज है उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसको कैसे नॉर्मल ला सकते हैं, मेड बी एनी डिजीज। अभी हम एक स्लाइड पे आएंगे, वहां हम डिटेल में इसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं जो फोकस करना चाहता हूँ वो मैं फोकस करना चाहता हूँ प्राइमोर्डियम या प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की तरफ। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का सीधा सा मतलब ये है कि ये प्रिवेंशन बेसिकली जो डेवलपमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको डेवलप नहीं होने देता है, और इट्स अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ कंप्लीट एग्जिस्टेंस जो है डिजीज का, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं यदि हम प्राइमोर्डियम की बात करें या प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की बात करें। जहां पर हमें करना क्या होगा हेल्थ केयर में या कम्युनिटी हेल्थ में, इसमें दिस इज बेसिकली नोन एज कैप मॉडल। कैप में जो तीन एक्रोनिम्स हैं, के इज फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड एंड पी फॉर प्रैक्टिस। तो हम जो बात कर रहे थे कि हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसके ये तीन गुण सूत्र हैं, तीन प्रमुख सूत्र हैं, तीन सिद्धांत हैं। सबसे पहला है नॉलेज, किसी भी बीमारी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। हेल्दी रहने के लिए भी हमें हमारे पास नॉलेज जरूर है, और बहुत सारा नॉलेज है हमारे पास, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत हम एडिटेड हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन से या कम्युनिकेशन मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत है, नॉलेज बहुत हो गया। लेकिन उस नॉलेज से यदि हमारा एटीट्यूडनल चेंज नहीं है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर वो नॉलेज बेकार है, राइट। सो कैप मॉडल यही कहता है कि यू शुड हैव नॉलेज फर्स्ट, then this acquired knowledge should change your attitude. Attitudinal change आना बहुत जरूरी है, और attitudinal change की यदि हम practice करते हैं, that has to be in your daily routine, तभी ये आप healthy रह पाएंगे, तभी आप chronic disease से बच पाएंगे, otherwise थोड़ा मुश्किल काम है। So जो भी आपकी अपनी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर इंटरवेंशन मोड पर बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर बात कर रहा हूँ, कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग फिजिकल प्रॉब्लम है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग बीमारी है, उसके बारे में प्लीज 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 नॉलेज बढ़ाइए कि वो बीमारी कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई, और कैसे कैसे बड़ी बीमारी के रूप में कैसे परिवर्तित हुई, वो कैसे इस्टैब्लिश हुई, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए आप मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जहां से आपको बहुत सारी सर्चेस के थ्रू विल कम टू नो कि व्हाट एक्चुअली द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट डिजीज। सो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, अपने आप को एजुकेट करिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली इट इज, राइट। और जब आप ये समझ जाएंगे कि मेरी बीमारी क्यों है, मेरी बीमारी क्या है, तो आपका एटीट्यूड उस बीमारी के प्रति अचानक से बदल जाएगा, फिर आप उस बीमारी से डरेंगे नहीं। बहुत सारे जो हायर सेंटर ऑफ हेल्थ केयर है, वहां जब जाते हैं आप, बड़े बड़े आजकल तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, और वो हॉस्पिटल कम 3-star, 4-star, 5-star होटल्स ज्यादा लगते हैं, तो आपका एटीट्यूड जो है अपनी बीमारी के प्रति बड़ा फ्रेंडली हो जाएगा। बिकॉज जब आप किसी को जान लेते हैं, तो आप, जैसे मैं बहुत अच्छी सी बात करूं आपसे, कि जब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके विचारों से प्रभावित होते हैं, उसको जानते हैं और समझ लेते हैं, कहते हैं ना वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त। तो कौन हमारा सबसे अच्छा दोस्त, जिनको हमने जान लिया, उसकी फीलिंग्स आप महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग वो महसूस कर पाता है, तो वो दोस्त हो गया। ऐसी दोस्ती अंडरस्टैंडिंग वाली जब आपकी अपनी बीमारी से हो जाएगी, तो आपका एटीट्यूड उस बीमारी से डरने का, भागने का, बचने का नहीं होगा, बल्कि आपका उस बीमारी के साथ रह के उस बीमारी को दूर भगाने का होगा, उस बीमारी से मुक्ति पाने का होगा, एंड दैट कम्स थ्रू बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, राइट। सो ये जो चेंज्ड एटीट्यूड है आपका, इससे आप न सिर्फ अपनी बीमारी को समझेंगे, बल्कि इस बीमारी में आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन सी दवाई किस समय लेना चाहिए, किस समय नहीं लेना चाहिए, कब कौन से टेस्ट रिपीटेटिवली कराना चाहिए, कौन से टेस्टों के रिजल्ट से आपको पता चलता है कि डिजीज प्रोग्रेस कर रही है या स्टेटिक है। मैं यहाँ एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगा, कई बार हम लोग टेस्ट कराने से बचते हैं, हमको लगता है यार डॉक्टर लोग अभी तो 3 महीने पहले कराया था, फिर करवा रहे हैं, कोई सेंस नहीं है, जबरदस्ती का हो रहा है ये काम, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजीज की प्रोग्रेस जानने के लिए कई बार ये आवश्यक
हो जाता है कि जो फ्लक्चुएशन है वो यदि माइनर है तो चीजें मैनेज होती हैं, नहीं है माइनर तो दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहा है, तो जानना बहुत जरूरी होता है। सो हमको एटीट्यूडनल चेंज ला करके हमारी बीमारी को हम समझ करके और उससे निर्मूलन का, उसको एलिमिनेट करने का या उसको कंप्लीटली उस बीमारी को दूर करने का या रिवर्स करने का हम प्रयास कर सकते हैं। जब आपके पास ये नॉलेज हो जाए, इंफॉर्मेशन हो जाए बीमारी के बारे में, आपका एटीट्यूड ये हो जाए कि मैं मुझे जिंदगी भर इस बीमारी के साथ नहीं जीना है, मुझे पूरी जिंदगी दवाइयां नहीं खानी है, यदि मेरा ये एटीट्यूड हो जाए तो फिर उस दिन से आपको जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है या जो रिवर्सल के लिए जरूरी चीजें हैं तो ये आप भी जान सकते हैं कि जिन चीजों की वजह से ये बीमारियों ने, ने, ने जड़ पकड़ा है, इसने घर बनाया, उन्हीं चीजों को धीरे धीरे रेक्टिफाई करके आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। सो आपको कुछ चीजों की डेली में लाना पड़ेगा जो हैं। पर एक चीज मैं और कराना चाहता हूँ कि हमारे मन में मनुष्य हैं और जहाँ मन है वहां मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो सीधे मन पर लागू होते हैं और हमारे ये जो सर आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ सर अभी विजिबल है, अभी विजिबल है सर। सर आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही, आ रही है। ओके राइट। तो हार्मोन्स हैं हमारे, वो हमेशा से न सिर्फ फिजिकल जो हमारे हार्मोन्स हैं वो हमेशा से हमारे मन से गवर्न होते हैं, ये सोचने और समझने वाली बात है। इसलिए अभी मेडिटेशन की बात भी हुई, माइंडफुलनेस की बात भी हुई है एंड बहुत अलग अलग तरह के मेडिटेशन की बात हुई है। तो ये सारी की सारी जो टेक्निक्स है हमारी वो अल्टीमेटली जाकर के हमारे एंडोक्राइन्स पर काम करती हैं और एंडोक्राइन्स के जो सेक्रेशन है वो मॉडिफाई होते हैं। जैसे हम पीनियल ग्लैंड की बात करें तो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी रिदम एंड स्लीप साइकिल। अब बॉडी रिदम की यदि आप बात करते हैं तो बॉडी में 12 जगह पर हमारे प्राण तत्व होते हैं जहां से हमारी मेजर फंक्शनिंग होती है बॉडी की। यदि आप वहां पर एक उंगली भी रखते हैं तो आपको पल्सेशन मिलता है और यही 12 पॉइंट है जहां से जीवन शक्ति शुरू होती है, डिप्लीट होती है और लास्टली खत्म हो जाती है, राइट? सो इनको गवर्न करने वाले ये हमारे सारे के सारे एंडोक्राइन्स हैं। पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी के रिदम को रेगुलेट करती है, फिर वो चाहे आपका ब्रीदिंग का पैटर्न हो, चाहे पल के झपकाने का पैटर्न हो, चाहे आपके कार्डियक बीट का पैटर्न हो, चाहे आपकी 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 स्किन के सेंसेशन का पैटर्न हो, ये सबके सबको गवर्न करती है। देन पिट्यूटरी है जो कि हमारी ग्रोथ, लैक्टेशन एंड अदर एक्टिविटीज को, अदर ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करती है। थायराइड आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, आप सबने सुना है कि हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म जो हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा रोल हमारे मन का, हमारे चिंतन की शैली का, चिंता और चिंतन और मनन, ये तीन चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और माइंडफुली यदि काम किया जाएगा, विथ फुल अवेयरनेस काम किया जाएगा, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज हमारी चिंतनशील है, किस चीज की हमको चिंता करनी है, किस चीज का मनन करना है और किस चीज का चिंतन ध्यान में रखते हैं। तो मुझे लगता है बहुत हद तक थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट 13 केसेस हैं जो लगभग 3 से 4 साल से जिन पर हम काम कर रहे थे और थायराइड हमने रिवर्स किया है। नाउ द पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, दे आर हेल्दी एंड हैप्पी, बट डेफिनेटली दे हैव अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ लाइफ स्टाइल बिकॉज दे हैव टू रेगुलेट देयर थायराइड। देन
वी हैव एड्रेनल ग्लैंड्स, आए दिन आप लोग सुनते हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, किडनी में पथरी हो गई, एंड डायबिटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन थिंग नाउअडेज. इन सबको समझने के लिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, हमें ये जानना जरूरी कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरे चिंतन का विषय क्या है, मैं किन विषयों पर बात कर रहा हूँ, मैं किन विषयों पर सोच रहा हूँ, मेरे सोच के विषय का जो दायरा है वो क्या है, कहाँ जा रहा है वो, और क्या वो शरीर की तरफ है, क्या वो मन की तरफ है, क्या वो आत्मा की तरफ है, क्या वो समाज की तरफ है, क्या वो इकोनॉमी की तरफ है, क्या वो पॉलिटिक्स की तरफ है, क्या है. और कई बार यदि कुछ नहीं भी है तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जिससे 90% लोग सफर करते हैं, दैट इज फियर ऑफ अननोन. फियर ऑफ अननोन, ये दिस इज मोस्ट कॉमन साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम नाउअडेज, कि हमको अजीब सा डर लगता है, पता नहीं किस चीज का भय, अनजाना भय. और ये अनजाना है, आपकी एड्रेनल और पैंक्रियास को अफेक्ट करता है. इस वजह से बहुत सारे लोगों को आजकल CKD, जिसका नाम आप कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो रही है, बिकॉज वो भय को इतना पाल लेते हैं कि लीवर में भी हमें प्रॉब्लम दिख रही है आजकल, ठीक है. एंड पैंक्रियास में तो आप देख ही रहे कि उसका उसका जो फंक्शन है वो ऑल्टर होता जा रहा है. साथ ही साथ आजकल गॉल ब्लैडर की जो पथरियां हैं उसमें भी हम बात यदि करेंगे डिटेल में तो बहुत सारी है, सप्रेस्ड इमोशन के कारण बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसीलिए इनका लिंक साइकोसोमेटिक है. इसमें स्टडीज हुई है, बहुत सारी रिसर्चेस हैं जिनने लोगों में काम किया है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जो ये बताती है कि कितने परसेंट लोगों ने को इस तरह की प्रॉब्लम साइकोजेनिसिटी की वजह से हुई है. टेस्टीज एंड ओवरीज हैं, ये इसके फंक्शन आप सबको पता है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात विचारशील प्राणी होने के नाते सुनना चाहूंगा कि आज से पहले आपने कितने इनफर्टिलिटी सेंटर देखे थे, बांझपन निवारण केंद्र कितने होते थे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, पूरे शहर में कोई एकाध होता था इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. आज जहां देखे वहीं बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर खुल गए हैं. क्या वजह नहीं लगती आपको कि कोई तो वजह होगी, सारे सेंटर चल रहे होंगे इसलिए खुल रहे हैं, लेकिन इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है, जो प्रभावित व्यक्ति है, क्या उसके बारे में हमने कभी सोचा कि फर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम कभी क्यों नहीं थी, या पहले इतनी ज्यादा क्यों नहीं थी? बांझपन रेयर हुआ करता था कि शादी के 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, नहीं होते थे बच्चे. आजकल 1-2-3 साल के अंदर यदि नहीं हुए तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, और एवरीबडी इज बिहाइंड द थिंग कि भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चा होना चाहिए, राइट. एंड समाज का भी एक दृष्टिकोण जो थोड़ा सा है काफी चेंज हुआ है, बिकॉज बहुत हद तक हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन हमारा एक्सटेंड होता है और फिर हम करियर की बात करते हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, बट स्टिल इन सब वर्षों के बीच कहीं ना कहीं ये सोचने की आवश्यकता बहुत है कि जो फाइन रिप्रोडक्टिव पीरियड है आपका 28 से 35 के बीच का, वो कई बार करियर बनाने में निकल जा रहा है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, और वो जो फाइन रिप्रोडक्टिव पीरियड है उसमें ये खाली टेस्टिस एंड ओवरी राइट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज उसमें चिंतन की दशा और दिशा कुछ और ही होती है. जब किसी और तरह का चिंतन आप करते हैं, जब आपके चिंतन की दिशा शरीर ना होकर के कुछ और चीजें होती है, गोल है, करियर गोल है, या करियर अचीवमेंट है कि भाई अपना करियर पूरा कंप्लीट कर लो उसके बाद मैरिज एंड अदर थिंग्स के लिए बारे में सोचा जाएगा, तो वहां पर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है. ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमने देखी है, नोट की है, और इस पर हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है. जैसे बाल्डनेस की बात करें या हेयर फॉल की बात करें, इट इज वेरी कॉमन एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइफ स्टाइल डिजीज, राइट. इनडाइजेशन बहुत कॉमन हो गया, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर के आते हैं, जो कि पेंटॉप या इस तरह की दवाइयां हैं जो एंटासिड है वो खाते हैं. गैस फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन नाउअडेज, कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन, पेन इन जॉइंट्स इज कॉमन. ये ऊपर की जो चार चीजें हैं इसके बारे में मैं 100% आपसे कह सकता हूँ कि इसका कहीं ना कहीं संबंध आपकी सोच से है.
सोच में किस तरह का आपने खाया, से फॉर एग्जाम्पल चाय यदि आप पीते हैं उसके साथ आप नमकीन लेते हैं, बिकॉज आपको वो थोड़ा सा अंदर एक एक थ्रिल चाहिए, एक जोश चाहिए जो चाय के साथ नमकीन के खाने पर ही आता है, अदरवाइज नहीं आता है, राइट। देन बालों में तेल लगाने की प्रथा धीरे धीरे बंद हो जा रही है। अब बालों को तो छोड़िए, पैर के पंजों में कोई ऑयल नहीं लगाता, जबकि आयुर्वेदिक यदि हम विचारों से बात करें तो नाभि में और पैर के पंजों में तेल लगाने से हेयर फॉल में कमी आती है। यदि लगातार मसाज के साथ फिर यदि किया जाए तो बहुत हद तक बाल्डनेस से छुटकारा मिलता है। लेकिन ये सारी ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस या कहें आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस या कहें कि कम्युनिटी हेल्थ के जो जितने भी नुस्खे थे सो कॉल्ड, उनको हम लोगों ने प्रयोग में लाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ऊपर की सारी चीजें हैं, कॉन्स्टिपेशन भी ऑलमोस्ट, ये इन पर यदि हम तरीके से देखें तो साइकोसोमेटिक ओरिजिन इनका मिलता है। पेन इन ज्वाइंट के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये सप्रेस्ड इमोशन के कारण होते हैं, और बहुत टिपिकल चीज है कि भाई लेफ्ट साइड का यदि अफेक्टेड है तो बिकॉज ऑफ मदर की चिंता की वजह से है, और राइट साइड का है तो फादर की के बारे में ज्यादा चिंतित रहने से या उनके बारे में सोचने की वजह से है। ये कुछ कुछ फाइंडिंग्स हैं जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से निकली हुई हैं। देन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड एंड ओबेसिटी, ये बहुत कॉमनली एवरीबडी एक्सेप्टेड कि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। यदि बाय बर्थ नहीं है, डायबिटीज टाइप 1 नहीं है, तो फिर ये एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड डायबिटीज का मतलब है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि खाने का आपका जो तरीका है, जो चबाने का तरीका है, उसकी उसमें कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है। खाना आप शांत बैठ करके नहीं खा रहे हैं, एक कौर को आप 32 बार चबा करके नहीं खा रहे हैं, उसको धीरे से निगल ले रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जो जो खाने के आपके आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, वो अलग अलग तरह के हैं जिनमें कोई समानता नहीं है। तो ये सब चीजें कॉज करती है कि आगे जा करके जो आपने खाया है उसको मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, वो तो वो फिर शरीर में दिक्कत पैदा करता है। ओबेसिटी भी कई बार यदि किसी लंबी बीमारी की वजह से या पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन की वजह से नहीं है, तो कई बार ये इमोशनल ईटिंग के कारण होती है। सो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना होगा, क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी अपीलिंग चीजें होती है जिसके सुगंध के कारण हम अपने आप को रोक नहीं पाते, और फिर वो पोर्शन मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है कि जब तक मजा नहीं आ जाए, आनंद ना आ जाए। तो अभी अगले पिछले लेक्चर में जो आनंद की बात हुई थी, वो आनंद अलग है और ये खाने का आनंद एंटायरली डिफरेंट है। तो हम इसके लिए वो खाना चाहते हैं, और यही फिर कॉज करता है ओबेसिटी, ओवरवेट और धीरे से डायबिटीज पर। पीसीओडी और पीसीओएस एंड पीएमएस एंड पीएमएस, ये प्री मेंस्ट्रुअल जो पेन है या सिम्टम है, या पोस्ट मेनोपॉजल जो सिंड्रोम्स हैं, इसमें भी मन का बड़ा रोल है, इसमें भी लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है, बहुत सारी चीजें इसमें और है जिसकी वजह से पीसीओडी और पीसीओएस के केसेस भी देखने को मिलते हैं। खान पान, आहार विहार, जीवनचर्या, दिनचर्या, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनको स्वास्थ्यकर आदतों को हम यदि अपने जीवन में अपनाएंगे, लाएंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत हद तक बीमारियों से दूर रह सकते हैं, और यदि कोई बीमारी हो भी गई हो तो उसको उसको हम अपने सक्रिय प्रयासों से दूर कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिकल सपोर्ट लेकर के, थोड़ा सा मेडिकल एक्सपर्ट की राय लेकर के हमको काम करना होगा, तो डेफिनेटली हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये एक बोध की चीज है, ये स्वास्थ्य बोध होना चाहिए। स्वास्थ्य बोध वही सारे कंपोनेंट्स हैं आपके, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। यदि हम बोध हो गया, हमें हमने यदि सेल्फ अवेयरनेस जनरेट कर ली, जो कि माइंडफुलनेस से आएगी नो डाउट, तो हम यदि सेल्फ अवेयरनेस जनरेट कर लें और उसको फिर करना पड़ेगा, डूइंग बाय अ डूअर, तभी हमको आपको कंप्लीट रिवर्सल मिलेगा, ही हम अपने आप को बचा पाएंगे। बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हम ये समझ सकते हैं थॉट, एक्शन, बिहेवियर, तो हमारा जो बिहेवियर है इट हैज टू बी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए जो 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 मॉडल
हम यूज करते हैं, मतलब बेसिकली तो डिटेक्शन के लिए है, बट हाँ मॉडिफिकेशन के लिए भी हम कह सकते हैं। एबीसी जो है, एंटीसिडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमको जो मॉडिफिकेशन करना है बेसिकली हमारे फूड सिलेक्शन में है। कोशिश को कैसे, तो उसमें मैंने कहा था एंटीसिडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस की जो मॉडिफिकेशन नीडेड है वो फूड सिलेक्शन में नीडेड है। फूड सिलेक्शन में बात कर रहा था कि जो भी प्राकृतिक चीजें जो जिस अवस्था में दी है उसी अवस्था में उसका उपयोग होना चाहिए, उसको मॉडिफाई नहीं जाना चाहिए। और जितनी भी अप्राकृतिक चीजें हैं या डिब्बाबंद चीजें हैं और जिसको प्रोसेस कर रहे हैं वो कम से कम यूज करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज डेली करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों कहते सुनते देखता हूँ तो दिन सॉरी मैं जिस एरिया में हूँ वहां पर बहुत ज्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। एनीवे, सो फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, ये भी बहुत जरूरी है। 20 से 40 मिनट की गतिविधि बहुत जरूरी है और एक्टिविटी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको पसीना निकल आए, राइट। देन रिलैक्स, यदि हम 30 से 40 के बीच में है या 18 से 30 के बीच में है तो ये गोल सेटिंग भी एक ऐसी चीज है जो आपको लंबे समय तक हेल्दी रह सकती है। काम करे तो करियर प्रमोशन से लेके हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से इंसान कर सकता है विद सेल्फ सेटिस्फेक्शन। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए बहुत सारी तकनीकें हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। एंड फाइनली वर्क लाइफ बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है बिकॉज एवरीबडी हैज टू वर्क फॉर सम और द अदर थिंग। सो हमारा जो करियर है, हमारा जो काम है वो हमको करना ही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस की बहुत जरूरत है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द आस्पेक्ट जो तो यहाँ पर अल्टीमेटली बात वही आती है कि बोध हमें करना है और स्वयं को ही करना होगा। दूसरा व्यक्ति सिर्फ इंडिकेट कर सकता है, बता सकता है कि आपके साथ ऐसा ऐसा है या ये प्रॉब्लम है, शायद आप मेडिकल एडवाइस की या मेडिकल एक्सपर्ट की बात करें तो वो भी आपको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं। बट वो जो तत्व है स्वयं के ज्ञान का, बुद्धा ने कहा है अपदीपो भव, स्वयं से स्वयं को जागृत करो, स्वयं का दीपक जलाओ, स्वयं से प्रेरणा लो, स्वयं को समझो। तो स्वयं को यदि हम समझ सकते हैं तो डेफिनेटली किसी भी क्रॉनिक बीमारी से हम बच भी सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। और ये सिर्फ शब्दों में विश्वास नहीं है, हम लोगों ने किया है, कुछ चीजों पर सफलता मिली है, कुछ पर अभी सफल नहीं हुए हैं, बट हमारा प्रयास लगातार जारी है कि हम डिजीज रिवर्सल पर काम कर रहे हैं। तो छोटा छोटा पास है, काम जारी है, जब कुछ बड़ी चीजें होंगी तो ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे फिर से शेयर करेंगे। लेकिन जो सेल्फ अवेयरनेस है, चाहे उसको माइंडफुलनेस कह लें या अपदीपो भव कह लें, वो जरूरी है
और वहीं से मनन चिंतन शुरू होगा कि हमारी रिवर्सल की यात्रा, रिवर्सल की जर्नी कैसे हो सकती है और हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द लिसनर्स, ऑल टू द सीनियर पीपल हु आर विद मी थ्रू आउट दिस सेशन, एंड आई विश दैट हूएवर इज अंडरगॉन दिस सेशन शुड हैव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एंजॉय द लाइफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। Thank you very much for your this enlightening lecture, very comprehensive, and you have covered many things and very, very useful for the people in your life. So I consider that the last lecture which you delivered has completed my whole series, and really we are grateful to you. Any observations needed, if anybody wants to add something? सर कुछ कहना चाहते थे आप? सक्सेना सर आपका आपका आशीर्वचन। थैंक यू। आई एम ऑडिबल? हाँ सर। आ रही मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया सर, बातें बहुत बताई, बिल्कुल सही है। मुझे भी चांस मिला दो पीएचडी गाइड कराने का सर। एक डॉक्टर मधु सेठ को मैंने वर्क कराया था, साइकोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ग्रेट ग्रेट। तो उसमें जो एटीट्यूड्स हैं, हाउ यू टेक अप ए डिजीज, बहुत से लोग माइनर डिजीज को बहुत मेजर परसीव करते हैं और बहुत से लोग मेजर डिजीज को भी एक्सेप्ट करते हैं, उसके प्रिवेंशन के, उसके ट्रीटमेंट पे पूरा ध्यान देते हैं और उसको बेटर फेस करते हैं। और माइनर डिजीज वाले अगर वो अपसेट हो जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपने ये बात जो कही है, नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस केपी, बहुत अच्छी बात है ये सर। इसको मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इधर अभी कोविड के पीरियड में हम लोग टीवी पे देखा करते थे, पेपर में भी आता था, न्यूज होती थी कि एल्डरली के लिए ज्यादा घातक है, 65 एंड अबव के लिए ज्यादा घातक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे मिले तो 92 इयर्स में भी वापस आ गए, 90 वाले वापस आ गए, 85 वाले भी वापस आ गए, कई केसेस ऐसे आए। तो उनसे फर्स्ट हैंड कॉन्टेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उनमें से कुछ से टेलीफोनिक कांटेक्ट जरूर हुआ और उसमें यह पाया कि उनका साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो किसी भी डिजीज को फेस करने के लिए बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की तो जरूरत होती है, जो बेसिकली जेनेटिक होता है और जो योगा से, मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस से उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है, जिसमें जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के ट्रेट्स हैं, एक क्वेश्चनायर है उसका ओला का, उसमें 80 आइटम्स हैं, 16 स्केल्स हैं और 3 सब सिस्टम्स हैं, और उनके उनमें ज्यादातर जो आइटम्स हैं वो रेजिलियंस से रिलेटेड है, होप से रिलेटेड है और ऑप्टिमिज्म से रिलेटेड है,
तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो आइटम्स हैं उससे रिलेटेड है, तो हमारा मानना है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारा साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम भी, जो लोग पॉजिटिव होते हैं हमारा साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम भी उससे प्रभावित होता है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है, एक तो जॉर्ज वाशिंगटन मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर की रिपोर्ट है यूएसए की, जिसमें उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कही है, और एक दूसरी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है जिनका नेगेटिव माइंडसेट है वो अपने नॉर्मल जीवन से 4 से 14 साल कम जीते हैं, और जिनका पॉजिटिव माइंडसेट है वो 5 से 15 साल अधिक जीते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी ने कही है, मैं एट्रिब्यूट करता हूँ, मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। और एक चीज ये ऐड करते हुए कि ये सारी चीजें हमारे साइकोलॉजिकल, तो हमें प्रयास करना चाहिए हाउ टू एनहेंस अवर साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम, और साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम अगर एनहेंस होगा तो डिजीजेस को हम बेटर वे में फेस करेंगे और उनकी प्रोग्नोसिस और मतलब उसकी मॉर्टलिटी को पोस्टपोन किया जा सकता है बाय एनहेंसिंग साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। और जो PISI है, साइकोलॉजिकल सिस्टम इन्वेंट्री है, हम कल्पना कीजिए एक जो कावर्ड आदमी है, जो डरपोक है, फियरफुल है, वो डिजीज को बेटर फेस करेगा या जो बोल्ड है? तो ये केवल डिजीज़ एलिमेंट्स के फेस करने के लिए नहीं है, बल्कि जो जीवन के मतलब लाइफ स्ट्रगल्स हैं, उन लाइफ स्ट्रगल्स को भी जिसका पीआईए बड़ा अच्छा आई होगा वो बेटर फेस करेगा। तो ये आपने जो KAP की बात की, ये हमारी थिंकिंग जो हम साइकोलॉजी में सिस्टम की बात करते हैं और पॉजिटिव पर्सनैलिटी कैसे को एनहेंस करते हैं, इससे मेल खाता है। इसलिए मैं आपके लेक्चर को बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा और मार्केट में ये स्प्रेड करने की जरूरत है कि डिजीज से परेशान नहीं होना है, उसे बोल्डली फेस करना है, कोई भी जो क्रॉनिक डिजीज भी है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो बहुत सी क्रॉनिक डिजीज हैं, अगर इग्नोर होती हैं शुरू में तो वो क्रॉनिक बन जाती हैं। तो लेकिन इनके फेस करने के तरीके में आप कैप कहते हैं, मैं PIS कहता हूँ, साइकोलॉजिकल सिस्टम, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। So, इसमें थोड़ा सा अभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में थोड़ा सा काम हुआ है, जिसमें ये लोग इसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कह रहे हैं, एंड उसको वो पर्सपेक्टिवली क्वालिटी ऑफ लाइफ से जोड़ रहे हैं। जो एंड डिजीज डिसऑर्डर है, लाइक कैंसर है या लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, इसमें पेन एंड पैलेटिव मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के थ्रू डेवलप करने की कोशिश चल रही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी वैल्यूएबल कमेंट। एंड प्रोफेसर राजेंद्र सिंह हैज प्रेजेंटेड दिस लेक्चर इन वेरी नाइस वे, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, एंड आई थिंक हिज लेक्चर हैज गिवन अ न्यू डायमेंशन to the health psychology, and I consider myself very fortunate enough that in the last very good lecture was delivered by Professor Rajendra Singh and Professor Madhurima Pradhan. So today we are concluding our lecture series, and at the last I would like to express my sincere thanks to Professor M.K. Saxena Sahab for his valuable comments, for his valuable guidelines,
and I would like to express thanks to Professor Amarnath Rai, to Professor Pramila Batra, to Professor D.K. Nanda, Professor Sima Tripathi, and all others who have added with our mission. And at the last, I would like to express my thanks to Dr. Kumar Srivastav and Dr. Ashish Pandey for their valuable support in the technical session. And I express my sincere thanks to all the participants who जिन्होंने कभी न कभी अब हमारे इस फॉरम पर आकर करके उन्होंने शिरकत की है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और आज हम इस सीरीज को वाइंड अप कर रहे हैं, इसके साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इस सीरीज को सफल बनाया। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। सर बहुत कुछ सीखने को मिला इस एसोसिएशन से जुड़कर सर। और सर बहुत ही सर थैंक यू सर। और सर एक ट्रेनिंग जो सर आप निकल बताया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। और जी वंडर कर रहे हैं जी सर। राय सर का उद्बोधन नहीं मिला आज। अरे राय सर नहीं है। नहीं नहीं है सर। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे तो आपने तो नहीं बताइए, आपसे परमिशन, आपसे परमिशन लिए बिना कैसे चले जाएंगे? अरे वाह।